आपको सबसे पहले मिल जाएगी। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिलते रहते हैं, वो भी रोज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हड्डियों की कमजोरी, कमर दर्द, घुटने दर्द के कारण जो इंसान चल नहीं सकता वो भी दौड़ने लगेगा। जोड़ों के दर्द के लिए आप कुछ दिन इसे पी लें तो अगर दोस्तों हम काम करते हैं उसके बाद थकावट लगना वो आम बात है, लेकिन अगर बिना काम किए ही थक जाते हैं या कमज़ोरी लगती है, हड्डियों में दर्द होता है, खास करके घुटने में, कमर में दर्द होता है, एसिडिटी, गैस या कब्ज से परेशानी है, तो हो सकता है कि आपके शरीर में वात रोग की समस्या बढ़ चुकी है। हवा हमारे जोड़ों में जाकर बैठ जाती है, जोड़ों के ग्रीस को खत्म करने लगती है। तो आज के उपाय से आपके शरीर में वात संतुलित रहेगा और जोड़ों के दर्द, मांसपेशियों की जकड़न, कमर दर्द, घुटने के दर्द, एसिडिटी, कब्ज, गैस से राहत मिलेगी। तो आज मैं ये रामबाण नुस्खा आपके लिए लेकर आई हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है सौंठ का पाउडर। ये अदरक का सूखा रूप होता है। जोड़ों में जमी हुई हवा को निकालने में और वात संतुलन के लिए सौंठ का पाउडर बेहद ही फायदेमंद होता है। मार्केट में आपको खड़ा सौंठ भी मिल जाता है दोस्तों, या फिर सौंठ का पाउडर बहुत ही आसानी से आपको किसी भी किराना दुकान में मिल जाएगा। और सौंठ जो होता है वो जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए एक रामबाण औषधि है। चाहे कमर दर्द हो, एड़ी का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, गैस, एसिडिटी से परेशानी हो, इन सभी परेशानियों को सौंठ का पाउडर ठीक करता है। आप चाहे तो खड़ा सौंठ लेकर उसे कूट कर भी सौंठ का पाउडर आप घर पर ही बना सकते हैं, या फिर मार्केट में किसी भी किराना की दुकान में आपको आसानी से सौंठ का पाउडर मिल जाता है दोस्तों। ये हमारे लिए बेहद ही फायदेमंद है। अब आपको लेनी है अजवाइन। गठियों के दर्द से राहत दिलाती है अजवाइन। अजवाइन छोटी ज़रूर है दोस्तों, मगर ये गुणों का भंडार है। हम सभी के किचन में अजवाइन ज़रूर अवेलेबल होती है। वात रोग से छुटकारा दिलाती है अजवाइन। जोड़ों के दर्द से हमें राहत मिलता है। हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। पेट दर्द, गैस, एसिडिटी, खट्टी डकार से हमें राहत दिलाती है। अगर कुछ समय आप अजवाइन के पानी का सेवन करेंगे दोस्तों तो शरीर में जमी हुई चर्बी को भी ये पिघाल देती है। अपने एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुणों के कारण अजवाइन गैस बनने, पेट दर्द, सर्दी जुकाम जैसी तकलीफों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कारगर जड़ी बूटी है। अब मैंने ले लिया है तेजपत्ता। तेजपत्ता हमारे किचन में अवेलेबल होता ही है, तो जो भी कुछ मैं आज यूज़ करने वाली हूँ दोस्तों वो सभी हमारे किचन में होता है। तेजपत्ते के सेवन से वात की परेशानी दूर होती है दोस्तों। तेजपत्ता हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने में मदद करता है। तेजपत्ते का इस्तेमाल खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए तो किया जाता ही है, लेकिन इसके औषधीय गुण जोड़ों के दर्द, सिर दर्द के लिए जादुई उपचार है। और जो हार्ट पेशेंट है उन्हें भी तेजपत्ते का सेवन ज़रूर करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है तेजपत्ता। और इसमें स्वाद ऐड करने के लिए आपको लेना है थोड़ा सा गुड़। आपको चीनी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालनी है दोस्तों। ये बात हम सब जानते हैं कि गुड़ जो है काफ़ी हेल्दी होता है दोस्तों। गुड़ खाने से जोड़ों के असहनीय दर्द से बहुत राहत मिलती है और इसमें भरपूर मात्रा में आयरन भी होता है। और हमें लगने वाला है एक गिलास पानी। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर ली है, सौंठ का पाउडर, अजवाइन, तेजपत्ता, गुड़ और एक गिलास पानी। तो सबसे पहले एक पतीले में हम एक गिलास पानी को गर्म करेंगे। तो सबसे पहले पानी को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो अब पानी जो है गर्म होना शुरू हो गया है दोस्तों। तो अब इसमें हम डाल देंगे सौंठ का पाउडर। बस आधा ही छोटा चम्मच हमें सौंठ का पाउडर लेना है। फिर उसमें हम डाल देंगे एक छोटा चम्मच अजवाइन। अब फिर उसमें हम डाल देंगे एक तेजपत्ता। अब धीमी आँच पर इसे 5 से 7 मिनट तक अच्छे से उबालना है ताकि जितने भी पोषक तत्व हैं सारे इसमें उतर जाए। और आपको लेना है दोस्तों सुबह खाली पेट, कुछ भी खाने पीने के पहले इसे ले। तो जैसे आप चाय पीते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपको इसे गरम गरम पीना है। इसका सेवन करने से दोस्तों धीरे धीरे आपको वात का रोग, वायु रोग, अपचन, एसिडिटी, गठिया रोग, जोड़ों के दर्द, कमर दर्द, घुटने के दर्द से आपको आराम मिलेगा। साथ ही साथ आपका इससे वज़न भी कम हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अजवाइन को पीने से फैट मोम की तरह पिघल जाता है।
तो मैंने इसे अच्छे से उबाल दिया है, अब इसमें डाल देंगे गुड़ को। तो ये घरेलू नुस्खा बहुत ही कारगर है दोस्तों, आप इसे ज़रूर अपनाएं और सुबह सुबह खाली पेट इसे ज़रूर लें। जैसे ही गुड़ पिघल जाएगा गैस को हम बंद कर देंगे। गुड़ को पिघलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, गुड़ अच्छे से पिघल गया है तो मैं अब गैस को यहाँ पे बंद कर दूंगी। अब इसे छान कर आप गरम गरम इसे पी लें और सुबह सुबह इसे खाली पेट ले दोस्तों। अगर मान लीजिए सुबह आपको टाइम नहीं मिलता है, आप जल्दी में रहते हैं, तो आप शाम को करीब 5 से 6 बजे के बीच आप इसे ले सकते हैं, जब हमारा पेट उस टाइम खाली होता है, ताकि इससे मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल सके। तो लीजिए दोस्तों, हमारा नुस्खा बिल्कुल तैयार है पीने के लिए। आजकल तो दोस्तों कम उम्र के लोगों में भी ये परेशानियाँ देखने के लिए मिलती है, तो आप इस नुस्खे को ज़रूर अपनाइए, आपको ये बहुत ही फ़ायदा देगा। प्राचीन काल से ही घरेलू नुस्खे कारगर साबित हुए दोस्तों। दरअसल घरेलू नुस्खे किसी भी रोग का प्राकृतिक इलाज करने में सक्षम होते हैं और साथ ही साथ इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। बनाने में आसान होते हैं दोस्तों, सस्ते होते हैं और इन नुस्खों से बीमारी के जड़ पर वार होता है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। लगी आपको मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो सारी नोटिफिकेशंस मेरी वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।